अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ी, जिसके लिए हमको चाहिए 2 कप व्हिपिंग क्रीम। इसको लेकर ग्राइंड करें 1 से 2 सेकंड के लिए। अच्छा, अब इसमें हमने डाला है 1 कप एवोपरेटेड मिल्क। अब इसके बाद इसको भी हमको 2-3 सेकंड ग्राइंड करना है। हमने इसमें डाला है 1 कप कंडेंस मिल्क। इसको भी डालने के बाद 1-2 सेकंड ग्राइंड करना है। अब हमने इसमें एक वाइट ब्रेड का पीस डाला है और ब्रेड के पीस के मैंने कॉर्नर निकाल दिए। अब मैंने इसमें बादाम का पेस्ट शामिल करा है, जो कि रात को मैंने 20 बादाम पानी में भिगोते थे और सुबह उसको दूध के साथ मिला के एक पेस्ट सा बना लिया था। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रोज वाटर मिलाया है। इन सबको ग्राइंड कर लें। अच्छा, अब ये इस मिक्सचर को मैंने एक सांचे में डाल दिया, फिर इसको प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह बंद कर लिया। अब इसको 8 घंटे के लिए आप फ्रीज कर लें। अच्छा, मैंने फ्रीज़र से निकालने के बाद आइसक्रीम को एक वार्म वाटर मैंने पॉट में ले लिया था, उसमें रखा है 1 से 2 सेकंड, ताकि आइसक्रीम आराम से सांचे से निकल जाए। कुल्फ़ी को आप एक प्लेट में रख के उल्टा करके आराम से निकाल लें। ये देखें, मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।